वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल रतलामी जायका। आपका रतलामी जायका में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वीक आई साइट के लिए एक बहुत ही पुराना नुस्खा, जो कि मैं भी कई सालों से खाती चली आ रही हूँ और आज तक अभी तक हमें चश्मा नहीं लगा। और अगर आपको हमारा चैनल और रेसिपीज पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमारे पास 150 ग्राम के आसपास बादाम है, 150 ग्राम मोटी वाली सौंफ है और ये 1.5 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून हमारी तकरीबन 12-15 बड़ी इलायची है और इतनी ही 12-15 हरी इलायची, और ये मिश्री भी हमारी 150 ग्राम है। इन सबको हम अब मिलाकर मिक्सर में डालकर इसका एक पाउडर बनाएंगे। इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे जिससे कि जो बूढ़े लोग हैं वो भी इसको खा सकें, जो बूढ़े लोग हैं वो भी खा सकें और जो छोटे बच्चे हैं वो भी खा सकें। पहले कुछ लोग इसको मक्खन में भी मिला के खाया करते थे, लेकिन अभी मक्खन हम यूज नहीं करते, हम खाली यही चीजों को यूज करके और यही काफी फायदेमंद रहे। ये इन सबको हम अब मिक्सर में बारीक पीस लेंगे। आप लोग जैसा भी खाते हो, या तो आप दरदरा भी पीस सकते हैं और या थोड़ा सा बारीक पीस सकते हैं ताकि बूढ़े बच्चे खा सकें। हम थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे, तकरीबन 1.5 मिनट। ये देखिए, ये हमने मिक्सर में इसको 1.5 से 2 मिनट पीसा है और ये इस तरीके से ये हो गया है। अब हम इसे एक बड़े बाउल में निकालेंगे और आप इसको एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसको एज ए माउथ फ्रेशनर भी यूज कर सकते हैं। आप दिन में 3-4 मरतबा जितनी बार भी आप खा सकते हैं आप खाएं। लोग सुबह नहार मुंह भी इसको खाते हैं अपनी आई साइट को ठीक करने के लिए। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। इसे हम ये एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं, आप लोग भी एयर टाइट कंटेनर में रखें। 3 से लेकर 6-7 महीने जब तक भी हो आप आराम से खा सकते हैं और ये खराब होने वाली इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है।